हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी क्लास 11। टुडे वी विल स्टडी अबाउट यूनिट थर्ड चैप्टर 14। दिस नेम सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ सेल एंड द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। मीन्स जो सेल्स है हमारी, सेल्स क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, हमारे बॉडी की। तो लेट अस द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन लिव ऑन इट्स ऑन एंड मेक्स अप ऑल थिंग ऑर्गेनिज्म एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। मीन्स यहाँ पर यह है कि हमारी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है और उस सेल्स से जो है क्या फॉर्म होता है, टिश्यू होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो टिश्यू है, सेल है, सेल से जो है टिश्यू का फॉर्म होता है, टिश्यू से जो है ऑर्गन ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से जो है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। मीन्स सेल स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। मीन्स सेल से टिश्यू फॉर्म हो रहा है, टिश्यू से ऑर्गन हो रहे हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं इंटरनल होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ऑर्गन्स जो होते हैं इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। अब इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और हमारी जो लीवर है एक्सेट्रा, जो होते हैं इंटरनल होते हैं। बट जो एक्सटर्नल जो वो दिखाई देते हैं जैसे कि हमारी आईज, ठीक है, हेयर्स है ना, स्किन, ये सब कैसे हैं, एक्सटर्नल टिश्यू होते हैं। तो सेल से टिश्यू फॉर्म होता है और हम कह सकते हैं द बंच ऑफ सेल्स आर टिश्यू। टिश्यू क्या है, बंच ऑफ सेल है। तो टिश्यू कैसे बनाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दो टाइप्स के होते हैं। फिर उनसे क्या बनता है, पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल को ऐड कर देंगे अपन तो हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे उसको बॉडी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सेल जो है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, अंडरस्टूड। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी डिस्कवरी जो है सबसे पहले 1665 रॉबर्ट हुक्स ने किया था इन कॉर्क। जो प्लांट्स होता है उसकी जो कॉर्क होती है उस कॉर्क के अंदर उसने जो है उसकी लेयर को काटकर उसने जो है वो उसकी स्ट्रक्चर देखा, तो उसको मधुमक्खी की जैसा छत्ता उसको दिखाई देता है। जो सेल्स होती हैं वो सेल्स जो है इस तरह से जो है अटैच होती है। सेल्स जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट ऑर्गन, सेल्स जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है डिफरेंट ऑर्गन के अंदर। अभी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सेल है, ठीक है, और पूरे बंच को क्या बोलेंगे अपन, टिश्यू। पूरे बंच को हम क्या बोलेंगे, इसको टिश्यू बोलेंगे। तो सेल्स जो है जो टिश्यू का फॉर्म करती है, टिश्यू फॉर्म करते हैं ऑर्गन का, ऑर्गन्स का, ऑर्गन्स भी जो है इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं और फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम का, जो पूरे हमारे ऑर्गन से बॉडी बनती है और बॉडी से पूरा बनता है, अंडरस्टूड। अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो टू टाइप्स की सेल्स प्रेजेंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स और सेकेंड होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स यहाँ पर ये है जिसमें जो है ट्रू न्यूक्लियस क्या हो, अब्सेंट हो, क्या हो, ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट हो, और एक होता है इसमें ट्रू न्यूक्लियस क्या हो, प्रेजेंट, ठीक है। तो ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट और ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसके बेसिस पे हम जो है उसकी हम बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है
स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर होती है। क्या होती हैं? स्मॉलेस्ट होती हैं और एक सेल की बनी होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और मल्टी सेलुलर में आती है। अंडरस्टूड? तो हम इसका जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया सेल जो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। ये उसका होता है वेक्टर, ये उसका होता है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, क्या होता है डीएनए जेनेटिक होता है। इसमें कुछ सम मात्रा में राइबोसोम, राइबोसोम ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइबोसोम भी होता है, साइटोप्लाज्म, प्रेजेंस होता है। मीन्स यहां पर यह है कि इसमें जो है जो मेन है उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए जो है ओपन से रहता है, ठीक है, खुला होता है। जबकि हम बात करेंगे एक यूकैरियोटिक सेल की, उसके अंदर जो है वेल डेवलप्ड क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ। अंडरस्टूड? तो मीन्स यहाँ पर यह है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं, उसके अंदर टू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंस होता है, बट ये ओपन्स होती हैं, ओपन होने के कारण जो है इनका जेनेटिक मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है फैला रहता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है ऑल ऑर्गेनेल प्रेजेंस नहीं होते हैं, कुछ ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऑर्गेनेल क्या होते हैं अब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है हम बात करते हैं जब, तो इसके अंदर ये पूरा वेल डेवलप होता है, तो उसके अंदर जो है ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये टू टाइप्स की होती है, एक होती है प्लांट सेल, एक होती है एनिमल सेल, एक होती है प्लांट सेल होती है और एक होती है एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल मैं बता चुका है आपको, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, इस तरह से जो है ये क्या होते हैं यूनिसेलुलर होती है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है इम्पोर्टेंस होता है। यूकैरियोटिक की अगर बात करेंगे कि ये जो है इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है और ये पूरा वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है और ये जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ये मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी जो है उनको टू कैटेगराइज किया गया है, फर्स्ट जो है प्लांट सेल, सेकंड जो होता है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल्स होती हैं और जो एनिमल्स के अंदर जो सेल्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, बट उसमें सम डिफर होता है। बाकी इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स प्लांट के अंदर होते हैं उतने ही एनिमल्स के अंदर होते हैं। लाइक जैसे कि प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है तो एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड अब्सेंट होता है, जबकि जो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो एनिमल सेल के अंदर अब्सेंट होती है। तो ये कुछ डिफरेंस डिफर होते हैं। तो हमको ये मालूम करना था यहाँ पर कि टू टाइप्स की सेल्स होती है, उस सेल्स के अंदर एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है जो कैसी होती है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होती है कहाँ प्रेजेंस होती है, जहाँ मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो
तो इस तरह से आपने आज देखा कि जो यूनिट जो सेल्स होती हैं, बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की, और ये टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है ये जो आपकी प्रोबायोटिक सेल्स होती हैं, दूसरी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं। और उसके अलावा जो है इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 के अंदर किया था, और उनके अंदर उसके बाद से जो है इसकी डिस्कवर स्टार्ट हो गई है। उसके जितने भी ऑर्गेनेल हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, सबकी डिस्कवरी धीरे धीरे इसके बाद में होते गई। अंडरस्टूड? तो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम और बॉडी का फॉर्मेशन। आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू।